डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उनके डेरिवेशन डिस्कस करेंगे और ये जानने की कुछ प्रूफ डिस्कस करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई कंसेप्ट या कोई प्रूफ अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग इस तरह के कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज मैं क्या आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में, जो भी ये वीडियो को देख रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे होंगे। ठीक है, उनको टारगेट करके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो इससे पहले ही, 9th से पहले ही हम लोग ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सबके बारे में हमें जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू। ठीक है, एंड इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ऑड नंबर और इवन नंबर तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये तो 5th क्लास 6th क्लास के बच्चों को भी बता दिया जाता है, 4th क्लास में भी आजकल तो आ गया। ठीक है, तो मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ऑड नंबर और इवन नंबर, वी नो द पैटर्न फॉर गेटिंग अ ऑड नंबर, मींस मुझे पता है कि अगर मुझे एक ऑड नंबर 1 मिल गया तो अब मैं इसमें सिर्फ 2 ऐड कर दूं तो आई विल गेट अ न्यू ऑड नंबर, इसमें 2 ऐड कर दूं तो आई विल गेट अ न्यू ऑड नंबर, इसमें 2 ऐड कर दूं आई विल गेट अ न्यू ऑड नंबर। इसका मतलब अगर मुझे ऑड नंबर कोई भी मिलता जाएगा, मैं 2 2 2 ऐड करता जाऊंगा तो मुझे नया नया ऑड नंबर मिलता जाएगा। इसका मतलब ऑड नंबर्स कभी खत्म नहीं होंगे, ऑड नंबर्स आर इनफाइनाइट, मतलब देयर आर इनफाइनाइट ऑड नंबर्स। आप कभी नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ 100 ऑड नंबर्स हैं या 500 ऑड नंबर या 1000 ऑड, मतलब फाइनाइट नंबर्स नहीं है ऑड नंबर के। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका पैटर्न है। वी नो कि मेरे पास अगर एक ऑड नंबर, मुझे पता चल गया कि वो ऑड नंबर है तो बस मैं उसमें 2 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नया ऑड नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर मैं उसमें 2 ऐड कर दूंगा मेरे को एक और नया नंबर, ऑड नंबर जनरेट हो जाएगा। दैट मींस एज वी हैव द पैटर्न फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर, सो ऑड नंबर्स आर डेफिनेटली इनफाइनाइट इन नंबर्स। और ये हमारे लॉजिक में समझ में आता है कि वी नो द पैटर्न सो इनफाइनाइट ही होंगे, इससे मतलब फाइनाइट नहीं बोल सकता मैं इसको। सिमिलर मैनर में इवन नंबर भी है कि अगर मुझे इवन नंबर एक मिल गया, 2 मिल गया तो 2 ऐड कर दूंगा तो मुझे नेक्स्ट इवन नंबर मिल गया, 2 ऐड कर दिया तो मेरे को इवन नंबर्स मिलते जाएंगे। इसका मतलब इवन नंबर्स भी इनफाइनाइट है। ठीक है, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है प्राइम नंबर्स के बारे में, कभी सोचा है आपने प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनके फैक्टर्स 1 या फिर वो नंबर इटसेल्फ, केवल वही 2 फैक्टर्स होते हैं जिसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो हैव यू एवर नोटेड एनी पैटर्न इन गेटिंग अ प्राइम नंबर? Means, अगर if you note down all the prime numbers, do you observe any pattern in this? Means, first prime number is 2, then 3, then 5. अब आप देखिए, 2 जो है 1 के बाद मिल जाता है, मतलब 3 जो है 2 में 1 add करते ही 3 मिल जाता है, 2 add करने पे 5, next prime number 2 के बाद आता है, next prime number 4 के बाद आता है, फिर 2 के बाद आता है, फिर 4 के बाद आता है, फिर 2 के बाद आता है, फिर 4 के बाद आता है। अब ऐसा मत समझिएगा कि 2 आया फिर 4 आया फिर 2 आया फिर 4 आया फिर 2, ऐसा एक पैटर्न बन तो गया, नहीं ऐसा नहीं बना। क्योंकि अभी देखो, नेक्स्ट ऑड नंबर का प्राइम नंबर कब आया, 6 के बाद आ गया, फिर 2 के बाद आ गया, फिर 6 के बाद आ गया, समझ रहे? तो देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न इन गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में अगर पैटर्न नहीं है तो मुझे हर बार जो भी नंबर मैं लिखता हूं, हर बार मुझे चेक करना पड़ेगा वेदर दैट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो ये हम लोग किसी और वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर मेरे पास कोई नंबर n है, अगर मुझे ये पता करना है कि ये प्राइम है कि नहीं, तो एक तो बट ऑब्वियस सी चीज है कि आप 1 से लेकर के n तक जितने नंबर है उनसे डिवाइड करके देख लो कि कोई फैक्टर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको डिवाइड करके देख लो,
अच्छा आगे देखेंगे कि उसमें भी सारे नंबर से नहीं डिवाइड करना, ये हम लोग बेसिकली ये चीज नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए मैं क्विकली इसको बस बता दे रहा हूँ क्या करना होगा। तो इसमें सारे नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ओनली प्राइम नंबर लेस देन, प्राइम नंबर लेस देन एन से डिवाइड करने की जरूरत है। ये आप लोग खुद भी सोच सकते हैं वाई दिस, क्यों सब नंबर से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं प्राइम नंबर्स लेस देन एन से कर लूंगा तो भी मेरा हो जाएगा। तो प्राइम नंबर लेस देन एन से अगर डिविजिबल होगा तो ये नंबर कंपोजिट हो जाएगा, अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर प्राइम हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे कि हमें प्राइम नंबर लेस देन रूट एन तक ही हमें चेक करना है, लेस देन रूट एन। तो रूट एन आपका कोई भी नंबर एन है अगर वो प्राइम है या नहीं है, अगर मुझे ये पता करना है, ये सब क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है ये सारा आपके लिए मैं वाई छोड़ दे रहा हूं, ये आप लोग सोचेगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो सीरीज के नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग ये सब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नो मैटर टू वरी, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है कि कोई भी नंबर एन है वो प्राइम है या नहीं है उसके लिए मुझे क्या करना है, उसका रूट लेना है, और उस रूट रूट एन से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं मुझे उससे डिवाइड करके चेक कर लेना है वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दोस प्राइम नंबर्स और नॉट। इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड दिस एन, एनी प्राइम नंबर विच इज लेसर देन रूट एन डिवाइड एन, देन वी कैन से दिस एन इज कंपोजिट, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो क्या कहना चाह रहा हूं मैं इस चीज को डिस्कस करने के माध्यम से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास 37 है, अगर मैं इसका नेक्स्ट, क्योंकि मुझे पैटर्न नहीं पता है तो मुझे हर नंबर को चेक करना पड़ेगा कि इसके जस्ट बाद वाला नंबर मेरा प्राइम आया या कंपोजिट आया। तो अगर मैं देखूं 37 है तो 38, तो चलो सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो जब मैं 1 ऐड करूंगा तो डेफिनेटली 1 ऐड करने पे तो इवन आ जाएगा, तो इवन नंबर को तो 2 डिवाइड ही करेगा, तो इसलिए प्लस 1 वाले को तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर मुझे 37 से मैंने 2 ऐड किया तो 39 आ गया, अब मुझे 39 को सेपरेटली चेक करना पड़ेगा वेदर दिस इज अ प्राइम और नॉट। फिर 39 अगर प्राइम निकल गया, मुझे पता है 13 3 39, तो 39 तो प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब फिर मैं 40 भी नहीं चेक करूंगा क्योंकि 40 तो इवन नहीं हो जाएगा। फिर मैं 41 चेक करूंगा तो देखूंगा कि 41 फिर से प्राइम आ गया, क्लियर है। इसका मतलब मेरे को सारे नंबर सब चेक करने पड़ेंगे कि मेरा वो नंबर जो मेरा नेक्स्ट वाला नंबर जनरेट हुआ है वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो चूंकि इसमें पैटर्न नहीं है, एवरी नंबर हैज टू बी चेक्ड, सो मैं नहीं कह सकता कि कोई ऐसा, क्या पता कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसके बाद के सारे नंबर कंपोजिट हो, भाई हमें तो पता ही नहीं कि कैसा नंबर आगे आने वाला है, क्लियर है। तो अब यहां क्वेश्चन उठता है कि वेदर प्राइम नंबर्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्या मैथमेटिक्स जगत ने सारे प्राइम नंबर आज तक के ढूंढ लिए हैं या अभी भी ढूंढ रहे हैं, और अगर अभी भी ढूंढ रहे हैं तो उनको ये तो पता होगा कि प्राइम नंबर्स खत्म नहीं हुए हैं तभी तो ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइम नंबर्स होते तो इनफाइनाइट है, इसीलिए वो सर्च अभी भी जारी है। आज की डेट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2 के पावर समथिंग -1 करके होता है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दैट नंबर। तो जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो ढूंढा जा चुका है, उसके बाद भी अभी सर्च जारी है क्योंकि मुझे पता है कि प्राइम नंबर्स खत्म नहीं होंगे, और भी प्राइम नंबर्स हैं। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि अब हम ये चीज कैसे प्रूव करें, क्योंकि मुझे दिख तो रहा नहीं है, मुझे पता नहीं है कि आगे जो है प्राइम नंबर्स के आगे वाले नंबर जो मेरे को मिल चुका है प्राइम नंबर, उसके आगे आने वाले नंबर सब कोई ना कोई प्राइम जरूर मिलेगा, कंपोजिट सारे नहीं होंगे, ये मुझे पता नहीं है। तो फिर मेरे लिए क्या सवाल उठता है कि अब हम कैसे ये पता करें कि प्राइम नंबर्स जो हैं दे आर इनफाइनाइट इन नेचर। तो अभी तक मैं जितनी कहानी कर रहा था वो सब इस कंसेप्ट को डिस्कस करने की भूमिका बांध रहा था, ठीक है। तो अब मेरे को इस वीडियो में बेसिकली मुझे प्रूफ करना है प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट, दिस वी आर गोइंग टू प्रूफ, ठीक। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया मेथड यूज करते हैं जो जनरली मैथ्स का एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, प्रूविंग का टूल है, ठीक है। एंड क्या है वो, सपोजिशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले सपोज करता हूं कि लेट
प्राइम नंबर्स आर फाइनाइट, ठीक है, और वो जो फाइनाइट प्राइम नंबर्स है टोटल नंबर्स जो है आर है, मतलब केवल आर प्राइम नंबर से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अभी तक जितने प्राइम नंबर्स ढूंढे जा चुके हैं उनको मैंने दे दिया कि ये सारे नंबर काउंट करके आर आते हैं, इसका मतलब देर आर फाइनाइट प्राइम नंबर्स एंड लेट दैट फाइनाइट नंबर बी आर, तो वो जो सारे फाइनाइट प्राइम नंबर्स है उनको मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिया कि लेट से वो सारे प्राइम नंबर पी वन पी टू पी थ्री पी फोर डॉट 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 पी आर है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक नया नंबर सपोज करता हूं एन दैट इज इक्वल्स टू वन प्लस पी वन पी टू पी थ्री पी फोर डॉट 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 डॉट, सारे सारे प्राइम नंबर्स जो मेरे पास मौजूद हैं इन सारे, मतलब मैंने ये सपोज किया हुआ है कि इन आर प्राइम नंबर्स के अलावा मेरा कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज व्हाट आई हैव सपोज्ड। अब अगर ये सपोजिशन मेरा रॉन्ग हो जाएगा तो इसका मतलब मेरा जो ये सपोजिशन है कि फाइनाइट नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा तो उसका रिवर्स वाला ट्रू हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो आई एम सपोजिंग अ नंबर एन विच इज रिटन एज वन प्लस पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री इंटू पी फोर डॉट 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 पी आर, इन सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट प्लस वन। चलिए अब देखते हैं इसको, अब ये जो एन है ये एन या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा, भाई और तो कुछ होगा नहीं, यही दोनों तो होते हैं, कोई भी नंबर या तो प्राइम होता है तो कंपोजिट होता है। तो चलिए पहला केस देखते हैं कि लेट एन इज प्राइम, तो अब आप देखिए ध्यान से, अगर एन प्राइम हो गया तो ये जो एन है ये इन पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी आर इन सारे प्राइम नंबर से कुछ एक अलग नंबर है ना, ये तो पी वन है, ये पी टू है, ये पी थ्री है, ये सारे अलग अलग प्राइम नंबर से आर प्राइम नंबर से, और ये जो एन है अगर ये प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली ये इन आर प्राइम नंबर से डिफरेंट प्राइम नंबर है, इसका मतलब अगर एक एन प्राइम नंबर है तो मुझे एक और प्राइम नंबर मिल गया, अगर एन प्राइम नंबर है तो, इसका मतलब इन आर प्राइम नंबर के अलावा भी प्राइम नंबर बनाया जा सकता है अगर एन प्राइम निकल गया तो, दैट मीन्स मेरा ये सपोजिशन कि प्राइम नंबर्स तो फाइनाइट है ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अगर ये मेरा प्राइम नंबर है तो ये एक नया पी आर प्लस वन प्राइम नंबर बन गया, तो फिर मैं अगर इन सारे का प्रोडक्ट प्लस वन कर दूं तो फिर मेरा एक नया प्राइम नंबर बन गया, मतलब अगर एन प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली मेरा सपोजिशन तो वहीं पर फॉल हो गया, कहां पे कि मेरे आर प्राइम नंबर से एक और अलग प्राइम नंबर कहां से आ गया, तो इसका मतलब कि आर प्राइम नंबर नहीं और भी प्राइम नंबर हो सकते, सपोजिशन मेरा रॉन्ग हो गया। चलिए अगर मेरा एन प्राइम नंबर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, एन कंपोजिट नंबर, तो देखिए ध्यान से, एन अगर कंपोजिट नंबर है तो इसका एक फैक्टर वन होगा, एक फैक्टर एन होगा और एक कम से कम एक और प्राइम नंबर फैक्टर होगा। देखिए कोई भी सिक्स है, सिक्स इज ए कंपोजिट नंबर, इसका एक फैक्टर वन है, एक फैक्टर सिक्स है और सिक्स को टू भी डिवाइड करता है थ्री भी, मतलब देयर आर मोर प्राइम नंबर्स व्हिच डिवाइड दिस कंपोजिट नंबर, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को, और आपको पता है कंपोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, इसका मतलब उसके प्राइम नंबर्स तो फैक्टर्स होते हैं ना, इसका मतलब अगर ये कंपोजिट नंबर है तो देयर मस्ट बी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर दिस, तो वन और एन के अलावा भी कुछ प्राइम फैक्टर्स इसके फैक्टर होंगे डेफिनेटली। अब मैं ये बता देता हूं, बस ये प्रूव कर देता हूं कि वो जो प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि एन कंपोजिट है तो वो जो प्राइम नंबर है वो इनके अलावा होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो नंबर एन है इस नंबर एन को पी वन डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि पी वन से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो वन रिमाइंडर आएगा, पी टू से डिवाइड करूंगा फिर वन रिमाइंडर आएगा, पी थ्री से डिवाइड करूंगा तो वन रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब पी वन से पी आर तक मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं प्राइम नंबर से तो इस एन का रिमाइंडर वन आएगा, मतलब इन आर प्राइम नंबर से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन चूंकि एन को मैंने कंपोजिट ले लिया है तो अगर एन को कंपोजिट ले लिया तो डेफिनेटली इसको कोई ना कोई प्राइम नंबर तो डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये आर प्राइम नंबर्स नहीं डिवाइड कर रहे हैं तो कोई नया प्राइम नंबर होगा ना जो डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब इन आर प्राइम नंबर्स के अलावा भी कोई ना कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, सो वी कैन क्लियरली से कि सिर्फ आर नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, मतलब सिर्फ फाइनाइट नंबर्स नहीं होंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। ओके, आई होप कि वीडियो क्लियर है, कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है,
चलिए, इसी तरह के नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।